2.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में जुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की पावर डिवीज़न को गर्मियों के दौरान बिजली की फराहमी बेहतर बनाने के लिए मौसर इकदामात की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पावर डिवीज़न को हिदायत की है कि मौसम गर्मा के दौरान आवाम को बिजली की फराहमी बेहतर बनाने के लिए फौरी और मौसर इकदामात किए जाएँ। PM ऑफिस के मीडिया विंग से जारी बयान के मुताबिक ये बात उन्होंने वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीज़न इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर से मुलाकात के दौरान कही। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने वज़ीर आज़म को तवानाई के शोबे में जारी तरक्याती मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने खसूसी हिदायत की कि बिजली की तरसील में नुमाया बेहतरी के लिए मौसर इकदाम किए जाएँ। उन्होंने सार्फीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए बिजली की नई ट्रांसमिशन लाइनों की जल्द तकमील की भी हिदायत की। पाक फौज के सरबरा जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि दुश्मन आवाम और मुसल्ला अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में 147वीं पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था, रियासत का महवर पाकिस्तान के आवाम है। हमारी पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज को तफवीज करदा आईनी किरदार से वापसगी है। उनका कहना था, फौज हमारे अजीम कायद के नज़रिए पर अमल पैरा है जिसमें ज़ात, रंग, नसल, जिंस या इलाकाई तफरीक नहीं है। हमारे लिए आवाम की हिफाजत और सलामती से ज़्यादा मुकद्दस कुछ नहीं है। कोई फ़र्ज मादर वतन की हिफाजत से ज़्यादा अहम नहीं है। उन्होंने कहा कि अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी ना समझा जाए। हम अपने मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे। पाक फौज अपने इस फर्ज को निभाने के लिए हम वक्त तैयार है। जनरल आसिम मुनीर का कहना था, दुश्मन रियासती और समाजी हम आहंगी को मुतासिर करना चाहता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। दहशतगर्दी की जंग में आवाम और रियासत का कुलीदी किरदार है। अफवाज पाकिस्तान के गयूर और सरबकफ सिपाही दुश्मन की तादाद या वसाइल से मरूब नहीं होते। ज़ाहरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा और इस जमन में हकीकत और इबहाम में फ़र्क रखना होगा। सरबरा पाक फौज का कहना था, दुश्मन आवाम और मुसल्ला अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। आवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम और दायम रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। हम अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। सरबरा पाक फौज का कहना था, पाकिस्तान कश्मीरियों के बुनियादी इंसानी हकूक के लिए, उनकी तारीखी जद्दोजहद और हक खुद इरादियत के लिए उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आलमी बिरादरी को जान लेना चाहिए कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर इलाकाई अमन हमेशा मुबहिम रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच 2 मई को केस की समाअत करेगा। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ समेत 9 सियासी जमातों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिए हैं।
डायरेक्टर इदारा शुमारियात सिंध ने 7वीं डिजिटल मर्दम शुमारी के आदाद शुमार जारी किए हैं। डायरेक्टर इदारा शुमारियात सिंध मुनावर अली घांगरो के मुताबिक सिंध की आबादी में 64,63,000 का इजाफा हो चुका और सूबे की आबादी 5,43,18,000 तक पहुंच गई है। डायरेक्टर इदारा शुमारियात ने बताया कि कराची की आबादी में अब तक 14 लाख अफराद का इजाफा हो चुका है और शहर की आबादी 1,74,00,000 से बढ़ गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का कहना था कि मर्दम शुमारी में आधा कराची शुमार नहीं किया गया। कराची में मर्दम शुमारी के मसले पर हाफिज नईम रहमान की वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मुलाकात हुई। इदारा शुमारियात के बाहर गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईम ने कहा कि आधा कराची शुमार नहीं किया गया और खाना शुमारी अभी तक मुकम्मल नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जहाँ ज्यादा और कम गिनती हुई उसको देखा जाए, जिसके जवाब में वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि जहां कम और ज्यादा गिनती हुई उसकी निशानदही करें। किसी इलाके, सूबे या शहर के खिलाफ तासुब नहीं है। सूबों को आबादी बढ़ाने पर मराद देने का सिस्टम बना हुआ है। हमें NFC को आबादी से लिंक नहीं करना चाहिए। आज मुज़ाकरात जारी या ख़त्म करने का फैसला करेंगे फवाद चौधरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने हुकूमत से जारी मुज़ाकरात पर सवाल उठा दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां। चौधरी परवेज इलाही के घर छापे से साबित होता है कि इसहाक डार, साद रफीक और आज़म तारण की अपनी हुकूमत में कोई हैसियत नहीं। इस छापे की शदीद मुज़म्मत करते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि परवेज इलाही के घर पर हमला, अली अमीन गंडापुर को जमानत के बावजूद हब्स बेजा में रखना और PTI कारकुनों की गिरफ्तारियां मुज़ाकराती अमल को बेमायने बना रही हैं। उन्होंने मजीद कहा, अगर हुकूमती मुज़ाकराती टीम यकीन दहानी के बाद माहौल बेहतर रखने में कोई किरदार अदा नहीं कर सकती तो वो बड़े फैसले कैसे करेगी। इमरान खान की सदारत में आज इजलास में मुज़ाकरात जारी रखने या ना रखने का फैसला करेंगे।